अब देखिए नाइट ब्लाइंडनेस, बेरी बेरी, स्कर्वी, रिकेट्स, अनीमिया, गोइटर, ये हमने पढ़े थे कि ये डिजीज आपको क्या होते हैं, आपकी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी से ग्रो होते हैं। देन कैंसर, हार्ट डिजीज, डायबिटीज, अस्थमा, ये सब आपकी बॉडी में इनबिल्ट हो जाते हैं। जैसे कैंसर क्लोट्स बनने से, ब्लड के क्लोट्स बनने से, या फिर टबैको ज़्यादा यूज़ करने से टंग में हो जाता है ये, और आपकी ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो जाती है, आपका ब्लड कैंसर हो जाता है। तो ये बेसिकली आप खुद ही क्रिएट करते हैं अपनी बॉडी के अंदर। देन हार्ट डिजीज और डायबिटीज एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अगर आप फैट्स ज़्यादा कंज्यूम करते हैं अपनी बॉडी में तो क्या होगा, उसे ओबेसिटी होगी। ओबेसिटी क्या कॉज करेगी, हार्ट डिजीज करेगी। और हार्ट डिजीज और डायबिटिक्स दोनों, लाइक डायबिटिक्स शुगर ईट करने से ज़्यादा होते हैं, और शुगर ईट करने से ओबेसिटी होगी, ओबेसिटी से हार्ट डिजीज होंगे, ठीक है। देन अस्थमा सेम, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज या है टोबैको और सिगरेट ज़्यादा यूज करने से होते हैं, ठीक है। सो दीज आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। देन एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीनेशन, ये हमारा आज का मेन टॉपिक था। एंटीबायोटिक्स आफ्टर द डिजीज ली जाती हैं। अगर आपको डिजीज हो जाए, मतलब बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर चला जाए, तो आप उसको किससे किल करते हैं, एंटीबायोटिक्स से। वैक्सीनेशन बिफोर द डिजीज ली जाती है, मतलब आपको कोई डिजीज नहीं हुआ है, बिल्कुल सही है, उससे पहले आप क्या करेंगे, वैक्सीनेशन लेंगे, ताकि आपको वो वायरस इन फ्यूचर अटैक ना करें, ठीक है। इसके लिए 4 वैक्सीनेशंस अब तक अप्रूव हुई हुई हैं। ओरल पोलियो वैक्सीन OPV पोलियो के लिए, ये एक वायरस है पोलियो, देखा है अपने पोलियो की एक बूंद जिंदगी की बोल के पिलाते हैं बच्चे को, 5 ईयर्स तक पिलाते हैं ना, तो वो पोलियो ही होती है, पोलियो वैक्सीनेशन होती है OPV ओरल पोलियो वैक्सीन। देन वूपिंग कफ के लिए, ये बेबी को ही दी जाती है, ये इसका नेम होता है डिप्थीरिया पर्टुसिस टेटनेस, मतलब लंग्स की प्रॉब्लम ना होना, टेटनेस का इंजेक्शन, ये भी DPT फॉर वूपिंग कफ दी जाती है। देन ट्यूबरक्लोसिस, TB के लिए एक वैक्सीनेशन है, बैसिलस कैलामिट ग्यूरिन BCG वैक्सीन, ओके। देन MMR वैक्सीन, मीजल्स मॉम्स एंड रूबेला, ये मीजल मॉम्स एंड रूबेला मैंने बताई थी स्किन के लिए होती है, अगर स्किन पे इन्फेक्शन, लाइक ये बचपन में ही दी जाती है MMR वैक्सीन मीजल मॉम्स एंड रूबेला के लिए। और ये डेथ कोजिंग डिजीज होते हैं बेटा। देन COVID-19 के लिए बेटा 3 काइंड्स ऑफ वैक्सीन हैं, कोवैक्सीन वैक्सीन, स्पूतनिक वी वैक्सीन एंड ऑक्सफोर्ड एस्ट्राज़ेनेका वैक्सीन, इनके ऊपर बेटा अभी ट्रायल चल रहे हैं। सो बेसिकली दीज 3 आर वैक्सीन फॉर COVID-19, कोरोना वायरस के लिए कोवैक्सीन वैक्सीन, स्पूतनिक वी वैक्सीन, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राज़ेनेका वैक्सीन। अब हम दोबारा फिर से रिपीट करेंगे लेक्चर को। नंबर 1 इज डिजीज इज ऑफ 2 टाइप्स, कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज कैन स्प्रेड फ्रॉम 1 पर्सन टू अनदर, इट इज ऑफ 4 टाइप्स, बैक्टीरियल, वायरल, फंगल एंड प्रोटोजोआ। देन बैक्टीरियल डिजीज कैन स्प्रेड फ्रॉम बैक्टीरिया, एंड हियर आर द नेम्स ऑफ द बैक्टीरियल डिजीज, एंड फॉर द बैक्टीरियल डिजीज वी टेक एंटीबायोटिक्स। देन वायरल डिजीज, वायरल डिजीज स्प्रेड फ्रॉम वायरस, ओके, एंड फॉर इट वी प्रिवेंट अस फ्रॉम वैक्सीनेशन, वी टेक वैक्सीनेशन फॉर वायरल डिजीज। देन फंगल डिजीज, फंगल डिजीज वन इज द फंगल डिजीज रिंग वॉर्म। देन प्रोटोजोआ, मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, सैनिटेटेड वाटर के अंदर ग्रो होता है प्लाज्मोडियम। देन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, दिस कैन नॉट स्प्रेड फ्रॉम 1 पर्सन टू अनदर, नाइट ब्लाइंडनेस, बेरी बेरी, स्कर्वी, रिकेट्स, एनीमिया, दिस कैन नॉट स्प्रेड फ्रॉम टचिंग और फ्रॉम एयर, वाटर और फूड, ये किसी के भी जूठा खाने से या फिर एयर से या वाटर से स्प्रेड नहीं होता है। Then we did antibiotics and vaccinations. Antibiotics taken after the disease, हम antibiotics disease होने के बाद लेते हैं, vaccinations हम before the disease लेते हैं, disease होने के बाद। And then tuberculosis के लिए हम then हमने किया polio, polio के लिए हम कौन सी vaccine लेते हैं, oral polio vaccine, and for whooping cough diphtheria pertussis tetanus, and for TB bacillus calamitiae guerin
MMR4 नेजल मम्स एंड रूबेला, एंड फॉर COVID-19 कोवैक्सीन वैक्सीन, स्पुतनिक वी वैक्सीन, ऑक्सफोर्ड एक्स्ट्राजेना वैक्सीन। अब देखिए बेटा, बैक्टीरियाज को आप गर्म पानी से हाई टेम्परेचर करके किल कर सकते हैं, बैक्टीरियाज को। जैसे कि बोलते हैं ना, वाटर को बॉयल करो तो उसके बैक्टीरियाज डेड हो जाते हैं, मतलब जो बैक्टीरियाज होते हैं वो हॉट वाटर से किल हो जाते हैं, बट जो वायरसेस होते हैं वो हॉट वाटर से भी किल नहीं होते हैं। ठीक है, तो वायरस हॉट वाटर से नहीं किल हो सकते, ये हर एक टेम्परेचर में अपने आप को लाइव रख सकते हैं, इन द कोल्ड और इन द हॉटनेस। देन फंगल डिजीज हीटनेस में ही ग्रो करते हैं, मतलब हाई टेम्परेचर पर ही फंगस ग्रो होती है। देन प्रोटोजोआ नॉर्मल टेम्परेचर पर, ठीक है। एंड देन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, तो बेटा हमारे डेफिशिएंसी डिजीज ही होते हैं। ठीक है, पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉइड ऐप।